जिंदगी के बारे में किसी को नहीं पता क्या कब होने वाला है, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल सच है वो है मौत, जो बिल्कुल सत्य है। आज नहीं तो कल सबको आना ही है। मौत इतनी हसीन होती है कि इंसान उसको पाने के लिए जिंदगी ही छोड़ देता है। इससे आप नहीं जी सकते। लोग जिंदगी को तो याद करते हैं, लेकिन मौत जो बिल्कुल सच है उसको हमेशा भूल में ही रखते हैं। हम सभी को एक दिन इस धरती से जाना है, कोई जल्दी तो कोई थोड़ा देरी में। बस हम इस धरती के मेहमान हैं, ना कि मालिक। मालिक कोई और है। इसलिए अपने इस अनमोल जीवन के हर पल को बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए। इसको फालतू में वास्ट मत कीजिए। आपकी असली उम्र सिर्फ 40 साल तक ही होती है, जब तक आपका शरीर आपका अच्छे से साथ देता है। बस बाकी फिर खुद से जीने का एक समझौता ही होता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा मत कीजिए। किसी ने आपके साथ गलत किया भी है तो एक बार उसको माफ़ कर दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको किसी का अच्छा करने का वक्त नहीं या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि कौन सा आपको या किसी को भी अमर होकर यहाँ हमेशा राज करना है। अगर अमर होते, राज करना होता हमेशा के लिए, तो ज़रूर गलत करते, लेकिन आपको मौत का सामना भी करना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी एग्ज़ाम में एक सीमित टाइम मिलता है सबको अपने उत्तर लिखने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना पूरा समय दूसरों की नकल करने में, चुगलखोरी करने में या शोर करने में करते हैं या अपने उत्तर लिखने में। ये तो अंत में ही पता चलता है जब आपका परिणाम आता है। फिर पश्चाताप और रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। ठीक वैसे ही ज़िंदगी है। आपको ऊपर वाले ने एक सीमित समय दिया है खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से बनाते हैं। आप दूसरों की बुराई करके, दूसरों की देखा देखी करके, दूसरों को बुरा करके या अपने साथ अच्छा करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। दुनिया में जितने भी फेमस लोग हुए हैं उनका पूरा समय सिर्फ अपने तरक्की, अपने आप में था। अगर दूसरों में होता तो आज उनका कोई नाम नहीं जानता। गलत करने वाला पहले थोड़ा आगे तेज़ी से ज़रूर बढ़ता है, लेकिन जब नीचे गिरता है तो कभी दोबारा उठ नहीं पाता। समय एक ऐसा जज है जो आपको बताकर नहीं आपको परिणाम देता है, बल्कि जब देता है तो करारा जवाब देता है। इसलिए अपनी लाइफ को हर पल खूबसूरत बनाने का प्रयास कीजिए। दूसरों को बुरा करने के सोचिए भी मत, क्योंकि जब आप अपने आप में बिजी होंगे आपको वक्त ही नहीं मिलेगा किसी दूसरे के साथ बुरा सोचने का या बुरा करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अतुल अभियाज चाहूँगा, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।